डीएवी स्कूल सलासी हमीरपुर में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड द्वारा 3 दिवसीय प्रवेशिका कैंप का आयोजन किया गया। इसमें स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय शिक्षक मांगेराम, राज्य सचिव पुष्पराज शर्मा व स्काउट मास्टर नरेंद्र कुमार ने लगभग 225 बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करवाए। स्काउट एंड गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, गीत, प्रार्थना, प्राथमिक चिकित्सा के उपाय, टोली दल के साथ सामंजस्य, अनुशासन व देशभक्ति पर भी शिक्षा प्रदान की गई। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने बेस्ट स्काउट व बेस्ट गाइड को पुरस्कार भी वितरित किए। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कई बच्चों को बेस्ट स्काउट और गाइड के पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। ये हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से बच्चों का जो कैंप होता है ये स्काउटिंग का, ये सिलेबस है प्रवेशिका, इसका ये 3 दिन का ये कैंप हमने लगाया है यहाँ पे। और इस कैंप में हम बच्चों को बेसिक चीज़ें जो स्काउटिंग की है, जो जानकारी है, वो हम इन बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें कि स्काउटिंग का इतिहास, स्काउटिंग क्या है, स्काउटिंग सैल्यूट क्या है, स्काउट यूनिफॉर्म क्या है, और स्काउटिंग में किस तरह के नियम होते हैं, किस तरह की प्रतिज्ञाएं होती हैं, बच्चे कैसे स्काउटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्काउटिंग का बच्चों का क्या बेनिफिट्स है, और आगे इनके लाइफ के लिए, इनके कैरियर के लिए स्काउटिंग क्या अहम रोल अदा करती है, तो ये बेसिक जानकारी हम इस कैंप में इन बच्चों को देते हैं। और स्काउटिंग अपने आप में एक मॉरल वैल्यूज जो आजकल बच्चों के बीच से गायब होती जा रही है, मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह से बच्चों को सिखाता है, ताकि बच्चे सीख के और दूसरों के साथ में हमें कैसे व्यवहार करना है, समाज में उन्हें कैसे रहना है, और समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में कैसे उन्हें उभरना है, ये स्काउटिंग इन बच्चों को सिखाती है। तो ये कैंप के दौरान में हम बच्चों को ज़्यादातर अच्छी बातों के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि आपने बेटा दूसरों की मदद करनी है, एक डायरी बनानी है जिसमें आपने ये लिखना भी है कि आपने रोज एक अच्छा काम करना है, और उस अच्छे काम को उसमें नोट भी करना है, और 3 महीने तक लगातार ये काम इनको करना है। तो ये समाज में और अपने देश में और जहाँ भी ये बच्चे रहते हैं वहाँ पे अपने अच्छे गुणों के कारण, स्काउटिंग के जो सीखी है इन्होंने, उन गुणों के कारण समाज में अच्छाइयों को डेवलप करते हैं। तो मकसद हमारा यही है, हम चाहते हैं कि ये स्काउटिंग की जो ट्रेनिंग है, ये अभी तो हिमाचल में ये डीएवी स्कूल में हो रही है, हिमाचल के सभी स्कूलों में ये स्काउटिंग की ट्रेनिंग पहुँचे, और क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बहुत ही कंपलसरी एक्टिविटी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से अफिलेटेड है, तो हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों में ये स्काउटिंग की एक्टिविटी हो, ट्रेनिंग हो, ताकि बच्चों को और हमारे समाज को और हमारे देश को एक अच्छे नागरिक के रूप में ये बच्चे, हमारा जो भविष्य है, आने वाले भविष्य हमारे ये बच्चे ही हैं, अपने आप को उभार सकें और हमारा देश एक अच्छी राह पे चल सके। मोदी जी का जो सपना है कि अच्छा भारत हो, स्वच्छ भारत हो, उसको भी हम इस कैंप के दौरान में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं, और देश के जो भी बड़े बड़े कार्य हैं जो हमें मिलकर साकार करने हैं, वो इसमें हमें सहयोग कर। हम अपने अपनी लाइफ का पहला स्काउट एंड गाइड का कैंप अटेंड कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा कैंप होता है, इसमें हमें बहुत सी अनुशासित वैल्यू सिखाई गई हैं, हमें डिफरेंट तरह की क्लैप सिखाई गई हैं, हमें बहुत अच्छा ट्रेन किया गया है, यहाँ पर हमें ध्वजगी सब कुछ लिखवाया गया है, यहाँ पर बहुत अच्छी हमें वैल्यूज भी सिखाई गई हैं, हमें यहाँ पर डिसिप्लिन भी सिखाया गया है, हमें यहाँ पर फ्लैग को रहलाते कैसे हैं वो भी सिखाया गया है, और बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया हुआ है। बस हम वेट कर रहे हैं कि हमारा अगला स्काउट एंड गाइड का कैंप कब आएगा, इसलिए वी विल वेट फॉर नेक्स्ट स्काउट एंड गाइड कैंप। थैंक यू। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरी लाइफ का पहला स्काउट एंड गाइड का कैंप था, मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। स्काउटिंग का मीनिंग होता है, स्काउटिंग इज साइंस ऑफ आउटिंग, इफ देयर इज नो आउटिंग मीन्स देयर इज नो स्काउटिंग। स्काउटिंग इज एन एजुकेशनल गेम, ये हमारे मैंने भी पहली बार बहुत कुछ सीखा, हमने 10 क्लैप्स सीखी, बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग। स्काउटिंग इज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ, इससे हम गुड हैबिट्स सीखते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, और ये हमें एजुकेशन भी देता है साइंस के बारे में।